मेहदीहसन साहब आज हमारे साथ मौजूद है, आइए कुछ इनसे जानते हैं उनके करियर के बारे में। आप स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट करें, जो आईपीएल रणजी ट्रॉफी खेले आप फर्स्ट, उसके बाद आईपीएल में सेलेक्ट हुए? जी मैं 9 साल का था जब मेरा एडमिशन हुआ है क्रिकेट एकेडमी में, तो मेरे वालिद साहब अरशद अय्यूब क्रिकेट एकेडमी में मेरा एडमिशन किए थे, तो वो अरशद सर मेरे पहले कोच है, पहले और सबसे अहम कोच है मेरे, और आज भी मैं उनके साथ ही करता हूँ, डाउट्स मेरे कुछ भी रहा तो। और काफ़ी काफ़ी और कोचेज भी है जिनका बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है, मगर क्योंकि अरशद सर मेरे सबसे पहले कोच है, और इस साल भी ऑफ सीजन में जो कि सबसे अहम टाइम होता है हर एक प्लेयर के लिए टू वर्क ऑन द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो वो टाइम पे अरशद सर इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद मेरे लिए काफ़ी टाइम निकालते थे रोज़, और हम लोग ने काफ़ी चेंजेस लाए मेरे बॉलिंग में, और माशाल्लाह से अच्छे रहे वो चेंजेस, अच्छे रिजल्ट आए मुझे वो चेंजेस से। अगर आप आईपीएल में सेलेक्ट हुए बहुत खुशी की बात है तमाम हैदराबादियों के लिए, मगर आप कौन से प्लेयर को एक जानते हैं जैसे कि आप उनकी तरह बनना चाह रहे? जी आज के ज़माने में दुनिया का सबसे प्लेयर सब मानते हैं विराट कोहली को, वो इसलिए मानते हैं क्योंकि विराट कोहली बहुत ही स्पेशल है, वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि एक प्लेयर सबसे अच्छा होता है जब उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होती है, और विराट कोहली की जो कंसिस्टेंसी है वो सबसे अच्छी है, तो इवन आई वुड लाइक टू बी एज कंसिस्टेंट एज हिम। अगर आप आगे चल के इंडिया के लिए खेलना चाहेंगे? जरूर, हर एक बंदा जो शुरू करता है क्रिकेट खेलना सबका गोल होता है कि अपने देश के लिए खेले वो, तो मेरा भी वही गोल है और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए, और ऊपर वाले के करम से एक एक सीढ़ी चढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले रणजी ट्रॉफी में हुआ था कुछ साल पहले, फिर अभी इस साल आईपीएल में हुआ है। जी अब कुछ दिन पहले ही आपका मैरिज हुआ 1 ईयर में, माशाल्लाह फिर भी आप मैरिज है वो ये बात भी है, माशाल्लाह अच्छा खेल रहे हैं, बस खुशी की बात है ये सब हैदराबाद के लिए। जी हाँ, 1 साल पहले मेरी शादी हुई है, एग्जैक्टली 1 साल पहले, और इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी, और माय वाइफ इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, और हम लोग की थोड़ी लाइफ थोड़ी अलग होती है तो शी अंडरस्टैंड्स दैट वेरी वेल, और काफ़ी हेल्प करती है वो अप्स एंड डाउन्स में मेरे, शी इज़ ऑलवेज देयर विद मी, तो अच्छा रहा है बस। आपके डैडी जो बिजनेसमैन है जी रिटायर हो गए इनके? जी हाँ, मेरे फैमिली में माय फादर जो कि काफ़ी नाम कमाए, वो अपने लिए हम लोग के लिए काफ़ी किए हैं, वो अभी वो रिटायर्ड हो गए हैं बिजनेस से, और मेरे 3 बड़े भाई हैं, मैं 4th हूँ लास्ट, तो मेरे सबसे बड़े भाई अमेरिका में है अलॉन्ग विथ हिज वाइफ एंड डॉटर, और मेरे सेकेंड भाई यहाँ पर एक यहाँ पर डैड का बिजनेस संभालते हैं, और 3rd भाई IT कंपनी में काम करते हैं। ये बार हैदराबाद में जो IPL सेलेक्ट हुए कितने लोग हुए? कुल मिलाकर मुझे मिलाकर 4 लोग हैं, एक तो हमारे कैप्टन हैदराबाद रणजी ट्रॉफी टीम के अंबती रायडू जो कि बहुत ही महान प्लेयर है, अपने देश के लिए भी काफ़ी खेले हैं वो, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है उनका, बहुत ही बड़े प्लेयर है वो, बहुत ही अमेजिंग कैप्टन, अमेजिंग इंसान भी बहुत अच्छे है वो, और है तन्या अग्रवाल जो कि लास्ट ईयर भी सनराइजर हैदराबाद में थे, इस साल भी है वो, स्टाइलिश ओपन बैट्समैन है हैदराबाद के वो, और है मोहम्मद सिराज जो इस साल अपने देश के लिए भी खेले हैं, बट मोहम्मद सिराज खेलेंगे RCB के लिए बैंगलोर, और अंबती रायडू खेलेंगे चेन्नई के लिए CSK, मैं और तन्मय खेलेंगे हैदराबाद के लिए। जी आपका रिलेशन मोहम्मद सिराज के साथ कैसा, मतलब आप कितने मैचेस खेले उनके साथ अभी तक? मोहम्मद सिराज 2-3 साल पहले आए थे रणजी ट्रॉफी टीम में, तो जब से वो साथ खेल रहे हैं मेरे, तो काफ़ी टूर्नामेंट्स रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली, विजय हजारे, काफ़ी खेला है हमने उनके साथ, और हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा है, बहुत ही इमोशनल प्लेयर है, यानी कि वो बहुत दिल से खेलता है सिराज, बहुत ही दिल से खेलता है, और बहुत इन्जॉय करते हैं हम लोग साथ में खेलना, एक दूसरे की कंपनी बहुत इन्जॉय करते हैं, और बहुत ही बढ़िया बॉलर है वो अपने कंट्री के लिए खेला है, और जो बंदा अपने कंट्री के लिए खेलता है यानी कि वो बहुत ही स्पेशल है, और उसमें वो सब चीज़ें थे स्पेशल, इसलिए वो अपने देश के लिए भी खेला है। आप अगर IPL में आपको इस बार मौका मिला तो आप बॉलर की तरह एंट्री लेना चाह रहे हैं या बॉलर या बैट्समैन की तरह एंट्री लेना चाह रहे? जी इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द रोल दे विल गिव मी, जैसा कि मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ और हमारी टीम बहुत ही स्ट्रांग है, इंशाल्लाह मुझे अगर चांस मिला तो मैं अपने रोल के डिपेंडिंग ऑन माय रोल मैं करूँगा इंशाल्लाह मेहनत, कोशिश भी ऐसी करूँगा, जैसा कि T20 में पावर प्ले का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं हैदराबाद के लिए 3 साल से
पावर प्ले में डालता हूँ बॉलिंग, तो अगर उधर भी पावर प्ले में मिला तो पावर प्ले का अलग रोल होता है, फिर मिडिल ओवर्स में अगर बॉलिंग मिलती है तो अलग रोल रहता है, तो आई वुड ऑल्सो वुड वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट एट द एंड विथ माई बैट, और फील्डिंग में भी इंशाल्लाह अच्छा करने की कोशिश करूँगा। आप हैदराबाद, बल्कि हैदराबाद नहीं पूरे इंडिया में आपके फैंस हो रहे हैं इस वक्त पे, अब उनके लिए क्या करेंगे? पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन हु इज प्रेड, हु सपोर्टेड मी बिफोर द ऑक्शन, बिफोर माई सेलेक्शन। मुझे काफ़ी मैसेजेस फोन्स आते थे लोग के विशिंग यू ऑल द गुड लक, तो आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन जो इतना सपोर्ट, इतना दुआ किए थे मेरे लिए, और सबका बहुत बहुत शुक्र अदा बनाऊँगा मैं, और सबके लिए मैं यही चाहूँगा कि सब लोग जो भी काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में दिल से करें और मेहनत करें और ऊपर वाले के भरोसे पर छोड़े और मेहनत करें, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अपने आप पर भरोसा रखें, बिलीव इन देमसेल्व्स, तो उनके लिए भी इंशाल्लाह लाइफ में आगे अच्छा होगा इंशाल्लाह। अब तेलंगाना जल से आप हैदराबाद में रहते हैं माशाल्लाह, तेलंगाना के लिए आप क्या कहना? और आई वुड लाइक टू थैंक द स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग अस विद सो मेनी फैसिलिटीज और विद सो मच फैसिलिटीज अपने स्टेट में, तो इट मेक्स माई लाइफ वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट, थैंक यू। आगे वो इंशाल्लाह आईपीएल में सनराइज के लिए खेलने वाले हैं, इंशाल्लाह हम सबकी दुआ है उनके साथ कि वो आगे बढ़े। बस आपको कामयाबी दे, बस आमीन आमीन।